दिल्ली में एनसीआर से प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए इस बार भी रिवाइज्ड ग्रैप लागू किया जा रहा है। शनिवार को राजधानी से पूर्वानुमान को देखते हुए ग्रैप के दूसरे चरण को लागू कर दिया गया। अब देखना यह है कि इसके तहत जारी पाबंदियां इस बार लागू हो पाती हैं या नहीं। दरअसल इसके कुछ नियम सालों से लागू नहीं हो पा रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाने का नियम ग्रैप 2 में है, लेकिन इस नियम के साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। ग्रैप को 2017 में पहली बार लागू किया गया था। उस समय तत्कालीन ईपीसीए के आदेश पर डीएमआरसी समेत कई जगहों पर पार्किंग फीस में 3 से 4 गुना तक इजाफा हुआ था। इसके तुरंत बाद इस नियम की खामियां सामने आने लगी तो उसे वापस ले लिया गया। उसके बाद 2022 तक ये नियम ग्रैप में लागू नहीं हो सका। अधिकारियों के अनुसार इस नियम को लागू करने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पार्किंग ठेकेदार मनमर्जी पर उतर आते हैं। पार्किंग फीस बढ़ाने के बाद जो रकम आती है उससे सीधे सीधे ठेकेदारों की कमाई बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ महंगी पार्किंग से बचने के लिए लोग सड़कों के किनारे और अन्य जगहों पर अवैध तरीके से पार्किंग शुरू कर देते हैं। ग्रैप 2 के तहत मेट्रो और बसों की सर्विस बढ़ाने का भी नियम है। 2021 में दिल्ली सरकार ने पारवड़ा स्पेशल बसें चलाई थी। ये पहल सिर्फ दिल्ली में हुई थी। 2018 में एनसीआर में भी इस तरह की पहल की गई थी, लेकिन 2022 में दिल्ली एनसीआर में कहीं भी पारवड़ा स्पेशल बसें नहीं चली। अब इस बार ये चलेगी या नहीं, इस बारे में आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर, सेक्रेटरी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, इसी के साथ ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM को नोटिस जारी कर एक्शन टेकन रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। अथॉरिटी को रिपोर्ट में ये बताना है कि उन्होंने GRAP के मुताबिक एयर क्वालिटी इंजेक्शन को तय सीमा में रखने के लिए दिल्ली में क्या कार्रवाई की है, ताकि सर्दियों में लोगों की सेहत को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को है। उससे पहले इन्हें ये रिपोर्ट एनजीटी के सामने पेश करनी है।